हेलो एवरीवन। तो कल की मार्केट काफी ट्रेंडिंग थी, काफी अच्छी वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग मार्केट थी। तो आज भी ट्रेंडिंग रहने के चांसेस हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में ही ऑप्शन बायस को पैसा बनेगा। प्रीमियम्स काफी कम है और ट्रेंडिंग मार्केट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन ऑप्शन बायस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे पहले कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, फिर बात करेंगे कि आप कहाँ से कॉल या फिर पुट बाय कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या टारगेट होगा। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर आप एज इट इज देखेंगे अभी तो कोई पीछे से लेवल तो नहीं आ रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास है। तो अगर फिर भी मैं एक लेवल्स यहाँ पे मार्क करूँ तो एक तो ये हाई हमारा सपोर्ट का काम करेगा और एक 42,500 का लेवल डेफिनेटली, जो एक राउंड ऑफ नंबर है, वो हमारे लिए काम करेगा। और उसके बाद आएगा 42,670। तो ये 670 वही नंबर है जो हमने थोड़े दिन पहले निकाला था फिब लेवल्स के ऊपर। अब ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिनों में। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है नीचे से। आप इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आई, मान लीजिए आज मार्केट करते कराते अगर यहाँ पे आ जाए ना, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा एक बाइंग पॉइंट बनेगा आपके लिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बन गया। एक तो सपोर्ट आ रही थी हमारे पास, एक ट्रेंड लाइन मिल गई। अगर यहाँ पे कहीं मार्केट आपको मिले तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से बाय कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको कैंडल्स और बाकी फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। और सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेलिंग में तभी प्रेफर करूंगा अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके इससे नीचे सस्टेन करेगी। हाँ, फिर मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट नीचे आ सकती है और नीचे की तरफ मेरा टारगेट होगा 42,100 का लेवल और 42,000 लेवल। मीन्स अगर आप यहाँ से 42,300 की पुट बाय करेंगे तो उसमें आपको अराउंड 50 to 100 पॉइंट्स का टारगेट इजिली मिल जाएगा। और बाइक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी बाइक हो सकती है या फिर सेकेंड बाइक होगी मेरी 500 लेवल से ऊपर। बिकॉज 42,500 भी एक राउंड ऑफ नंबर का काम करेगा हमारे लिए। अगर मार्केट उससे ऊपर सस्टेन हुई तो मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट हमारी 670 तक जा सकती है, मीन्स 170 पॉइंट्स का मूव आपको मिल सकता है। तो अगर ये 170 पॉइंट्स का आप मूव कैप्चर करेंगे तो अगर आप 42,500 की कॉल बाय करते हैं तो उसमें आपको इजिली अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा हार्डली 20 to 25 पॉइंट्स का। और अगर कहीं मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया फिर आपके पास और भी ज्यादा मोमेंटम आएगा, जो कि हो सकता है मार्केट को 200 to 300 पॉइंट्स और ऊपर ले जाए। तो चलिए देखते हैं एक बार ऑप्शन चेन वहां पे क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या ज्यादा अच्छा है, बाइंग या फिर सेलिंग। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी है ऑप्शन चेन के ऊपर तो आपको इजीली पता चल जाएगा, यहाँ पे देख के यहाँ पे बहुत ही अच्छी अनवाइंडिंग हो रही है और यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप है इस एरिया में। तो ये क्लियरली बुलिश मार्केट है, क्लियरली बुलिश ऑप्शन चेन है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे बिल्डअप भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 14 लाख का, यहाँ पे 7 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 5 लाख, और इस साइड देखिए 26 लाख। कंपेयर करके देखिए नंबर्स को, 26 लाख, यहाँ पे 14 लाख, उसके बाद 11 लाख, यहाँ पे 7 लाख, और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई, फिर 4 लाख, 2 लाख। और यार ये वाली अनवाइंडिंग है ना, इसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये अनवाइंडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत कम हो गया। हो सकता है जो जिन लोगों ने 41,800 को सेल किया होगा उसका प्रीमियम इतना कम हो गया कि उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन काट के ऊपर आ गए, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम लेने के लिए। तो यहाँ पे जो आउट ऑफ द मनी पे अनवाइंडिंग होती है वो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग वाली अनवाइंडिंग हो, यहाँ पे फियर वाली कोई बात नहीं है इस लेवल पे। अगर फियर होगा तो इस एरिया में होगा। तो क्लियरली ऑप्शन चेन बुलिश है, प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा है, बुलिश है। तो बेटर यही होगा कि अगर आप बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा एज कम्पेयर टू सेल साइड, क्योंकि सेल में जाते जाते हो सकता है मार्केट एकदम से घूम जाए। तो बेटर यही रहेगा कि आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कीजिए, सेल को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल सिनेरियो जो है वो बुलिश है। मैं बाय साइड रहना पसंद करूंगा ज्यादा। रेस्ट आपको अगर लाइव मार्केट अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे हम लाइव मार्केट में अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है हमारे पास। तो अगर निफ्टी में मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करूँ, एक तो हमारे पास ये लेवल था 350 का, जो अब थोड़ा सा दूर ही चला गया मार्केट से। और उसके बाद अगर कोई लेवल आएगा हमारे पास वो आएगा एक तो लाइफ टाइम हाई ये वाला, और उसके अलावा अगर मैं बीच में बात करूँ तो हमारे पास एक 18,500 का लेवल भी हमारा रजिस्टर्स का काम करेगा, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ राउंड ऑफ नंबर है और ठीक ठाक काम करते हैं ये वाले राउंड ऑफ नंबर। 18,000 हो गया, 18,500 हो गया, 19,000, 19,500, सभी काफी अच्छा काम करते हैं। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखूं तो आप देख सकते हैं कल भी मार्केट ने उसी लेवल से, जो हम अभी बात कर रहे हैं 350 के लेवल से, सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस लिया, यहाँ पे भी बाउंस लिया उससे।
है। तो अगर आप बाइंग सेलिंग प्लान करना चाहते हैं तो या तो आप इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रख सकते हैं जो नीचे से चल के आ रही है हमारे पास ये वाली। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इस लेवल से नीचे सस्टेन किया 350 से, तो आप सेल का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मार्केट इस एरिया में कहीं मिले सपोर्ट पे, बीच इस ट्रेंड लाइन पे आप सपोर्ट भी लेके ऊपर जाए तो वहां से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। सेकेंड आपकी बाइंग होगी डे हाई से ऊपर, जो कल का डे हाई था 440 का, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से आपको टारगेट 60 पॉइंट्स का ही मिलेगा। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, बीज आपने 450 की कॉल बाई की तो उसमें आपको अराउंड 25 to 30 पॉइंट्स मिलेगी। अब वैसे ये है कि 25 to 30 पॉइंट्स अगर आपका स्टॉप लॉस 6-7 पॉइंट्स का है, 8 पॉइंट्स का है, फिर वो 25 to 30 पॉइंट्स भी काफी अच्छे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:3 चला गया। अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है 15 या 20 पॉइंट्स का है और 25 पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का कोई फायदा नहीं आपको। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 3 है तो आप प्लान कर सकते हैं। और जो काफी अच्छी मूव आएगी वो आएगी 5 मिनट से ऊपर। अगर मार्केट ने 5 मिनट भी ब्रेक कर दिया फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए ये दो इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे लग रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन होगी ये लेवल हो गया, ये वाला हो गया, और एक 1500 5 मिनट लेवल। चल अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है हमारे पास। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन इस एरिया से तो बुलिश लग रही है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आके अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 27 लाख का हुआ है, यहाँ पे 8 लाख का हुआ है टोटल बस, और टोटल भी देखेंगे तो यहाँ पे 63 लाख और यहाँ पे 86 लाख है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन चेन मुझे उतनी बुलिश नहीं लग रही। यहाँ पे अगर आप बिल्डअप देखेंगे 16 लाख का, 20 लाख 20 लाख, और इस एरिया में देखिए 1 लाख 4 लाख अनवाइंडिंग, 2 लाख 4 लाख यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये ऑप्शन चेन मुझे ना इधर बुलिश नॉर बेयरिश लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग भी उनको लग रहा है शायद ऊपर जाए, यहाँ पे बिल्डअप भी उसको लग रहा है कि यहीं पे रहेगी। तो हो सकता है कि ज्यादा बड़ी मूव ना आए, जैसे हम कह रहे थे 18,500 क्रॉस कर जाएगी या फिर 18,300 के नीचे चलिए, इतनी बड़ी मूव ना आए। हो सकता है इस एरिया में घूमती रहे मार्केट, तो इस एरिया में ही आपको जो भी ट्रेड मिलेगा सेलिंग का या फिर बाइंग का आप इजीली प्लान कर सकते हैं। हाँ, एक चीज के ऊपर फोकस मत कीजिए कि मैं तो बाइंग ही करूंगा। अगर आपको फ्लो के साथ सेलिंग मिल रही है तो सेलिंग कीजिए, अगर आपको फ्लो के साथ प्राइस एक्शन सब कुछ ये कह रहा है कि बाइंग बन रही है तो आप बाइंग कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।